शब्दांश, ध्यान देंगे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश ही जुड़ता है किसी भी शब्द में, जब नए शब्दांश आगे जुड़ जाते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की विशेषता देखिए, उपसर्ग की दो विशेषताएं होती हैं। पहला, ये शब्दों के पूर्व यानी पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जो भी अर्थ होता है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा देखेंगे, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में एक शब्दांश होते हैं और शब्दांश को कभी जिसका पूरा अर्थ नहीं होता, इसीलिए इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उपसर्ग के पांच प्रकार होते हैं, उपसर्ग के पांच प्रकार होते हैं। पहला देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग नीचे दिया हुआ है, देखिए अति, अति का मतलब होता है अधिक, शब्द बनेगा अत्याचार, अत्यंत, परा एक शब्दांश है जिसका अर्थ होता है विपरीत, अर्थ होगा पराजय, पराक्रम, अध एक शब्दांश है जिसका अर्थ होता है अभाव, और शब्द की रचना होगी अधपतन, अधोगति इत्यादि। चीर, चीर एक शब्दांश है जिसका अर्थ होता है बहुत देर, जैसे चीरकाल, चिरायु इत्यादि। दूसरा देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में अ एक शब्दांश है जिसका अर्थ होता है कमी, इसका उदाहरण है अधम। भर, भर का अर्थ होता है भरा हुआ, जैसे भरके। अध, अध का अर्थ होता है आधा, शब्द बनाएंगे अध खुला। दू, दू का अर्थ होता है दो और अर्थ हो जाएगा, शब्द बनाएंगे इसे दुगुना इत्यादि। तीसरा देखेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। ये उपसर्ग है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, यानी इस शब्द की रचना बनाएंगे कमकल, कमबख्त इत्यादि। खुश, खुश एक शब्दांश है जिसका अर्थ होता है अच्छा, और इसे शब्द की रचना होती खुश मिजाज, खुशकिस्मत इत्यादि। दर एक शब्दांश है, इसका अर्थ होता है मैं, और मैं का शब्द होता है, शब्द रचना होगा दरअसल, दरकार, दरकिया इत्यादि। ना एक शब्दांश है, इसका अर्थ होता है अभाव, जहाँ पे ना जुड़ जाए उसका अर्थ होता है अभाव, यानी उसके बिना, जैसे शब्द की रचना होगी नामुमकिन इत्यादि। ये तीसरा है। चौथा देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के कुछ शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसको उसी रूप में अपना लिया जाता है, इसमें भी कुछ उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे डिप्टी, इसको किसी भी शब्द के पहले जोड़ दी, जैसे डिप्टी कमिश्नर इत्यादि। सब को जोड़ेंगे तो सब जज, सब इंस्पेक्टर इत्यादि। वाइस को जोड़ेंगे तो वाइस प्रिंसिपल, वाइस हेड जोड़ेंगे तो हेड मास्टर इत्यादि, चीफ को जोड़ेंगे तो चीफ कमिश्नर इत्यादि। ये चौथा अंग्रेजी का समाप्त हो गया। पांचवा देखेंगे ये अव्यय। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय का अर्थ होता है जिसका कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता, यानी इसका जो रूप है ये कहीं भी बदलता नहीं है। अ का अर्थ होता है अज्ञान, जैसे अहिंसा, अज्ञान इत्यादि, या अभाव। अभाव, अज्ञान। अध का मतलब होता है नीचे, जैसे अधोमुख, अधपतन। अलम, अलम एक शब्दांश है जिसका अर्थ होता है पर्याप्त होना, जैसे अलंकार, अलंकृत इत्यादि। पुनः एक शब्दांश है, इसका अर्थ होता है फिर, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जागरण इत्यादि। स्व एक शब्दांश है जिसका अर्थ होता है अपना, इसका और शब्द बनाएंगे स्वतंत्र, स्वराज्य इत्यादि। अब देखेंगे कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो एक नहीं दो दो उपसर्गों का प्रयोग के साथ शब्द रचना बनाता है, यानी कि दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करके, पहला उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग, फिर यहाँ पर मूल शब्द है, फिर इससे नए शब्द की रचना होगी। जैसे परि एक शब्दांश है, आ एक शब्दांश है, वर्ण एक मूल शब्द है, अगर इसे शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? परिया वरण। वी
एक शब्दांश है, उपसर्ग है, आ एक उपसर्ग है, करण मूल शब्द है, तो क्या बन जाएगा? व्याकरण। अति एक उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, मूल शब्द है चार, क्या बन जाएगा? अत्याचार। अ एक उपसर्ग है, नी एक उपसर्ग है और यंत्रित, कौन सा शब्द बनेगा? अनी यंत्रित। इस तरह से ये दो उपसर्गों के मेल से बना हुआ शब्द है। इस तरह से आप लोगों का उपसर्ग का पार्ट वन, चैप्टर एट का चैप्टर फोर शब्द रचना, ये पार्ट वन आपका समाप्त हो गया। इसे पढ़िएगा, बुक के पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसे स्वयं प्रयास करिए बनाने का और क्वेश्चन आंसर।